गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग आज फिर से हम वो एक गतिविधि कर रहे हैं, रुपए पैसे वाली ना, की है ना तुमने पहले। तो मैं कौन हूँ? दुकानदार, शॉपकीपर हूँ मैं। ठीक है, मैं मेरे पास सामान खरीदने के लिए आओगे आप लोग, और जो सामान जितनी कीमत का होगा उस हिसाब से सबको पैसे बांट दिए गया ना, उस हिसाब से पैसे लेकर आओगे। ठीक है, और गेम का नियम यह है कि जैसे माने कोई चीज 17 रुपए की है, ठीक है, कोई 17 रुपए की और आपके पास 20 रुपए हैं, तो आप खुद स्वयं से कहेंगे कि शॉपकीपर अंकल मुझे ये चीज दे दीजिए और 3 रुपए वापिस कर दीजिए, मुझे 17 रुपए की पेंसिल दे दीजिए या टॉफी दे दीजिए और 3 रुपए वापिस कर दीजिए, मेरे पास चेंज नहीं है ना, मैं इस तरीके से नहीं मानूंगा, वो खरीद ऐसे पूरी नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले हमारे पास क्या आया है। हमारे पास सबसे पहले आई है पेंसिल, आई है इस बार, और ये पेंसिल 5 ही आई है और 6 रुपए की पेंसिल है, 6 रुपए की पेंसिल है, फटाफट 6 रुपए लेकर आइए, किस किस को मिलेगी। ये ले लो, 1 3 4, सामान समाप्त हो गया, सामान समाप्त हो गया, जो बच्चे पहले आए बस, 1 2 3 4 पांच, और कौन था, 6, लो जाओ अपनी जगह पे चले जाओ। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जल्दी करना है ना, जितना लेट करोगे उतना आपका लिए लॉस होगा वो, क्योंकि सामान जो है शॉप में कम आया हुआ है। ठीक है, सामान शॉप में कम आया हुआ है। अब अगला सामान हमारे पास आया हुआ है, कटर आया है, और ये 7 ही कटर है, 2 रुपए का एक कटर है, 2 रुपए का एक कटर, आराम से लाइन से आएंगे, भीड़ नहीं, 2 रुपए ये ले लो आराम से, आराम से, आराम से, 2 3 4 5 6 7, बस हो गया, सामान बिक गया, कटर बिक गया हमारे, बांट लो, जाओ जाओ। ठीक है ठीक है, 3 पेंसिल नहीं, सबको एक एक लेनी है, जिसका है वो वापस कर देंगे। विनर कौन होगा पता है ना, जिसने सबसे ज्यादा सामान खरीदा होगा वो विनर होगा, विनर वो नहीं होगा जिसने सबसे ज्यादा रुपए का सामान खरीदा होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सामान होगा वो विनर होगा। समझ में आई है? ठीक है, अब इस बार हमारे पास वैक्स कलर आए हुए हैं, और वैक्स कलर 11 रुपए के हैं बेटे, और ये भी लिमिटेड है, 2 ही आए हैं, 2 ही डब्बे हमारे पास वैक्स कलर के हैं, 11 रुपए लाने हैं आपको, 11, बस एक ये आ गई है, नहीं ये तो 50 रुपए है, ये नहीं होगा, नहीं ऐसे कहाँ है, 10 रुपए वापिस, 11 रुपए का है ना, 11 रुपए लाइए, 9 रुपए, वाह वेरी गुड, शाबाश, ये लीजिए 9 रुपए, आपका लिख लेते हैं बाद में दे देंगे आप, 9 रुपए, किरण ने भी खरीद लिया, 9 रुपए, ऐसे बोलना, खत्म हो गया बेटा, आप ऐसे बोलना है, ये नहीं कि 10 रुपए दे दीजिए, जो बिल्कुल रियल रिटर्न करना है वो बोलना, वेरी गुड किरण ने, बहुत अच्छा बोला। अब हम ये हमारे पास इस बार थोड़ा बहुत अच्छी चीज आई, बच्चों के मनपसंद की चीज आई है, बैलून्स आए हैं। ठीक है, तो रेडियो खरीदने के लिए बैलून 9 रुपए का है बेटा, 9 रुपीज, और 4 ही आए हुए हैं, एक रुपए वापिस, वेरी गुड, है कितने रुपए वापिस करने, नहीं ऐसे नहीं होता है, आप 50 रुपीज का नोट लेकर आ रहे हो, 11 रुपए, हाँ ये ले लो सर, मुझे भी 11 रुपए, 11 रुपए ये ले लो और ये ले लो, 2 बिके बैलून्स बिक गए हैं। कक्षा 1 के बच्चे बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं, या तो उनको समझ नहीं आ रहा है, 50 रुपए का नोट लेकर आ रहे हो आप और बोल रहे हो 1 रुपया वापिस कर, ऐसे कैसे हो जाएगा, आपके पास कॉपी पेंसिल भी लेके बिठाए, कैलकुलेट करो उसको, कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब इस बार थोड़ा बड़ा वाला आइटम आ रखा है, टीवी आई है हमारे पास, टीवी 2 ही आई हुई है, 1056 रुपए की टीपी, 1056 रुपीज, 1056 रुपए, 1056 रुपए, शाबाश शाबाश करिए, पीछे नहीं देखना है, 1056 रुपए लाइए और टीवी ले जाइए, 2 टीवी है केवल, एलईडी टीवी आया है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। एक 1056 बना लाए, वेरी गुड,
राहुल ने एक टीवी खरीद लिया है, ये ले लो सर मेरे को 5 रुपये वापस दीजिए। 5 रुपए वापिस। 5 रुपए कैसे हो जाएंगे, तो 1,070 रुपए हो रहे हैं, गलत हो रहा है। 15 कैसे हो जाएंगे, वो तो 75 हो जाएगा, दोबारा कैलकुलेट करके लाओ कितने हैं। मुंह से बोलना है ना बेटा, कितने रुपए वापस करने हैं आपको। नहीं कैलकुलेट करके लाओ सर, सर नहीं होता, कैलकुलेट करके लाओ। 1,056 रुपए का टीवी है, एक ही टीवी बचा है, जल्दी लेगा जो खरीद सकता है। कितने रुपए हैं? 1,056 है पूरे। ठीक है, इन्होंने खरीद लिया 1,056 रुपए का सामान खरीद लिया, टीवी बिक गया बेटा, कोई बात नहीं रख दो उसको। अब इस बार शॉपकीपर की शॉप में कॉपीज आई हैं बच्चों, 10 रुपए की एक कॉपी है, साथ ही कॉपी आ रखी हैं, ये ले लो। दस रुपये वापिस कर दो, ठीक हो गया, ये ले लो। ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, 40 रुपए वाले ये ले लो, 10 रुपए वापिस कर दिए, ले लो। बस कॉपियां खत्म हो गई बेटा, ये लो 10 रुपए, ये ले लो, बस खत्म, कॉपी खत्म, कॉपी खत्म। मार्कर पेन से आए हैं इस बार, मार्कर पेन 5 रुपए का है एक, जल्दी हरी आप, वेरी गुड, ये ले लो, ये ले लो, वेरी गुड वेरी गुड, ये ले लो, 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 वेरी गुड वेरी गुड, ये लो 15 रुपए वापिस कर दिए। मार्कर पेन खत्म हो गए, खत्म हो गए, पेन खत्म हो गए बच्चों। ओ यामी, इस बार बिस्किट आए हैं, ब्लू कलर के बिस्किट हैं, बड़े टेस्टी, 10 रुपए का एक बिस्किट है, 10 रुपीज, 10 रुपीज आराम से, वेरी गुड वेरी गुड, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये ले 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 लो, मैंने सबका नोट कर रखा है, ये ले लो, बिस्किट खत्म, बिस्किट खत्म, बिस्किट खत्म, बिस्किट खत्म, बिस्किट खत्म हो गए हैं। वाओ, इस बार तो चॉकलेट आ रखी है, 27 रुपए की एक चॉकलेट है, ग्रीन कलर की, 27 रुपए की। सॉकेट टूटे, ये लो 27 है, ये लो 27 है, ये लो, जल्दी करो बच्चों, 2 ही चॉकलेट और बची हैं। सत्रह रुपए, कितने रुपए दे रहे हो तुम मुझे, 30 रुपए दे रहे हो, 30 क्यों दे रहे हो, 30 में 27 रुपए की, तो 70 रुपए कैसे वापस करेंगे, दोबारा कैलकुलेट करके लाओ जाओ, 30 रुपए बोल रहे हो और 70 रुपए वापस क्यों कर रहे हो, 20 दे रहे थे, 30 कोई बात नहीं, कैलकुलेट करो, 30 दे रहा था, कोई बात नहीं, दोबारा कैलकुलेट करो, सत्ताईस रुपए की है चॉकलेट, ट्वेंटी सेवन है, ये लो। हाँ अब कैसे ही गया ना, 3 रुपए, कितने रुपए दे रहे हो फिर मुझे, 27 रुपए की चॉकलेट है बेटा, तुम 20 रुपीज दे रहे हो,
27 कितना होता है? हाँ शाबाश, वेरी गुड। चॉकलेट बिक गई, मनीष कंफ्यूज है, कभी 20 रुपए ला रहा है, कभी 30 रुपए ला रहा है। हैं मनीष, 30 रुपए जब लाए थे, 27 रुपए की चॉकलेट, तो 3 रुपए रिटर्न नहीं करूंगा मैं तुमको? 17 रुपीज मांग रहे हो तुम, 70 रुपए मांग रहे हो मेरे से। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इस बार बड़ी यमी येलो कैंडी आई हुई है। येलो कैंडी 1 रुपए की है, 1 रुपए की येलो कैंडी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस खत्म कैंडीज। जिस जिसने पहले दे रखे हैं वो उठा लो, जिस जिसने दे रखे हैं वहां से उठा लो, साथ ही लोग उठाएंगे येलो कैंडी, साथ ही लोग उठाएंगे, बस खत्म हो गई अब तो येलो कैंडी, साथ ही थी। वाह, इस बार शॉपकीपर भी शॉप में लैपटॉप आया है, लैपटॉप आया है, बहुत लिमिटेड एक ही है ये, 2614 रुपए का, 2614 रुपीज। ₹2614। अगर कुछ चेंज चाहिए तो यहां से ले सकते हो। 2614 रुपये ला रहे हैं, 2614 लाने हैं। अगर वो नहीं हो रहे तो आप किसी से उधार ले सकते हो, किसी किसी से। बहुत तुम्हारे पास रुपए खत्म हो गए, तुमने सारी चीज खरीद ली, इसका मतलब। किसी से बोरो कर लो, अगर नहीं है उधार ले लो किसी से बच्चों, अगर नहीं हो रहा। हो गए कितना, कितने? 2500। ठीक है, वेरी गुड गीता। गीता ने लैपटॉप ले लिया है, ये ले लो तुम्हारा लैपटॉप, वेरी गुड। अब देखते हैं विनर कौन है, विनर, क्योंकि सारा सामान खत्म हो गया है मेरे पास और कुछ नहीं है। अब विनर डिक्लेयर करते हैं, अब विनर डिक्लेयर करेंगे। सबसे ज्यादा सामान किसके पास है बताओ, 8 किसके पास है? साबा सुनीता ने 8 सामान खरीद लिए, 8 के बाद 7 वाला है कोई? 6 किसके पास है? सेकंड गीता है, 6 तुम्हारे पास भी 6 है, राहुल भी सेकंड है, मनीष तुम्हारे पास कितने? 5। राहुल थर्ड है, तुम्हारे पास कितने? 5। राहुल मनीष और अनुजाना या किरण थर्ड आ गए। जो लोग नहीं खरीद पाए कोई बात नहीं, कक्षा 5 वालों, 1 वालों ने भी कुछ खरीदा क्या? तुम्हारे 3 है कक्षा 1 में, और तुमने कुछ खरीदा, क्या नाम है रविंदर, कुछ खरीदा? कितने? 1 ही खरीदा। तूने कुछ खरीदा? खुशी ने कुछ खरीदा? कितना? 1 ही चीज खरीदी। आशा ने? कुछ नहीं खरीद पाए, कोई बात नहीं, अगली बार खरीदेंगे। तो कैसा लगा फिर ये एक्टिविटी, थोड़ा और एक्टिव होना है ना? ठीक है।